अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो वीकली अपडेट्स के साथ हम आपके सामने लेके आए हैं। वीकली अपडेट्स में जो है आज डीएचए लाहौर को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि डीएचए लाहौर में अगर देखा जाए फेज़ 1 to 13 बन चुके हैं, और अभी हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेज़ 10 को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फेज़ 10 जो है कंप्लीट पैकेज बन चुका है। जैसे कि एक फ़ेज़ की रिक्वायरमेंट होती है 5 मरला 10 मरला केनाल, 2 केनाल, और कमर्शियल की बात करें तो 4 मरला 8 मरला आपको कमर्शियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंप्लीट जो है फेज़ 10 उसको लॉन्च कर चुका है। इसके अलावा फेज़ 9 की बात करें, फेज़ 9 में जो है 2 ब्लॉक्स को पहले पोजेशन मिला हुआ था, और इसके अलावा 2 को बाद में पोजेशन मिला है। और जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2023 और 2024 में इसका कंप्लीट पोजेशन ओपन हो जाना है, और ये आपके पास घर बनाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगी। इसके अलावा फेज़ 9 बड़ा एक्टिव फेज़ है, यहाँ पे इस टाइम इन्वेस्टमेंट बनती है। इसकी जो फाइल्स की प्राइस की बात करें तो वो थोड़ा डाउन आई हुई थी, तो आप इस टाइम अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बड़ा बेस्ट टाइम है परचेज़ करने का, क्योंकि इन फ्यूचर मार्केट जो है बेहतर होते हुए जा रही है। जिस तरह के पिछले कुछ मंथ्स की बात करें तो उसमें मार्केट थोड़ा स्लो थी, लेकिन इस वीक जो है काफ़ी क्वेरीज देखी गई हैं और काफ़ी जो है काम देखा गया है डीएचए ऑफिस में। इसके अलावा फेज़ 8 की बात करें, फेज़ 8 का जो एस ब्लॉक है बिल्कुल एक कॉर्नर में होता था, वहाँ पर जो है काफ़ी घर बनना स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पर बिल्डर्स ने घर बनाना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा फेज़ 7 की बात करें, फेज़ 7 में भी काफ़ी काम हुआ, सबसे ज़्यादा काम जो है फेज़ 7 में हुआ है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट ड्रोन वीडियो में आपको दिखाया था कि वहाँ पे कैरो 4 की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी स्पीडी जो है स्टार्ट हुई पड़ी है। इसके अलावा वहाँ पे एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में आपको अपकमिंग जो है वो हार्डीज वहाँ पे बनने जा रहा है। इसके अलावा वाई ब्लॉक का जो मैकडोनल्ड है ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा टी ब्लॉक है जो वहाँ पर पेट्रोल पंप है वो भी ऑपरेशनल है, वो मतलब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी देखी जाएगी। और फेज़ 6 की बात करें तो वो ऑलमोस्ट जो है फिल हो चुका है, जिस तरह से फेज़ 5 में बड़े लिमिटेड से प्लॉट हैं, इसी तरह से आपको फेज़ 6 में बड़े लिमिटेड से प्लॉट मतलब मिलते हैं, जहाँ पे मतलब घर नहीं बने, नहीं तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारा फिल हो गया। तो ये आज की वीकली अपडेट थी। आगे इंशाल्लाह जो है मुकम्मल हर फेज़ के बारे में थॉरली हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे और अपने ड्रोन व्यू से भी दिखाएंगे कि किस फेज़ में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और आगे कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर अभी की मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइम फेज़ 10 जो है एक कंप्लीट फेज़ है, जहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि एक बड़ा अच्छा फेज़ है। तो आज की जो अपडेट थी वो यही थी। इसके अलावा अगर सोसाइटीज़ में बात करें तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बड़ी अच्छी सोसाइटी है, जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकती हैं। और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।